फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अनु गुप्ता व्लॉग्स। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और आज मेरे सामने जो विराजमान है वो गणेश जी हैं विराजमान हैं जो, और गणेश चतुर्थी के ऊपर ये स्पेशल वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गणपति जी को हम वैसे भी विघ्नहर्ता कहते हैं, और बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जैसा कि आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी आप सभी ने, जब इनका शीश कटा था और जब इनको ये वाला शीश लगा था उसके बाद से गणेश चतुर्थी हम उनके रूप में मनाते हैं, उनके जन्मदिन के रूप में मनाते हैं और ये हर जगह मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इनकी गणेश चतुर्थी की धूमधाम जो होती है वो महाराष्ट्र में देखी जाती है, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब टाइम टू टाइम सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो इसकी धूमधाम आप सभी को अपने घरों में देखने को मिलती है, अपने शहर में देखने को मिलती है। गणेश चतुर्थी के पंडाल लगते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये 10 दिन के लिए स्थापित करे जाते हैं पंडाल के अंदर, घर के अंदर, इन सभी जगहों पे जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ पे गणेश जी को विराजा जाता है। जिस प्रकार से हम नवरात्रों में 9 दिन 9 दुर्गों की पूजा करते हैं, उसी हिसाब से उसी तरीके से गणेश जी की हम 10 दिन पूजा करते हैं, स्थापित करते हैं, सुबह शाम की आरती वगैरह सब होता है। तो बात कर लेते हैं क्या गणपति जी को हमें 10 दिन के लिए स्थापित करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गणपति जी को आपको 10 दिन के लिए स्थापित करना होता है। ये आपकी अपनी श्रद्धा होती है कि आप इनकी सेवा के लिए इनका कितना टाइम निकाल सकते हैं। कि जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया कि हम 9 दुर्गा जब बिठाते हैं, 9 दुर्गों की पूजा करी जाती है, तो उनकी प्रॉपर 9 दिनों की पूजा करी जाती है। लेकिन गणेश चतुर्थी के हिसाब से अगर देखा जाए, आप इनको ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन तक स्थापित करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कब लेकर आना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है कि इन्हें गणेश चतुर्थी वाले दिन लाया जाए, और इन्हें स्थापित करने के लिए आपको या तो ऐसा करना होगा कि अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो या तो आप हमने बोल कर लेकर आएँ गणपति जी को कि हम आपको या तो 1.5 दिन के लिए स्थापित करेंगे, घर में विराजमान करेंगे, या 2.5 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए, या 4 दिन के लिए। 3 दिन का नहीं लेकर आइएगा, 3 दिन का बोल के बिल्कुल मत लाना कि हम 3 दिन के लिए गणपति जी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। और आप 10 दिन के लिए भी स्थापित कर सकते हैं, इनको अपने घर के अंदर विराजमान कर सकते हैं। तो गणेश चतुर्थी मेन आपको पता है गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप इनको लेकर आ रहे हैं तो आपको इनको 10 दिन के लिए इनकी सेवा करनी होगी, ऐसा नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कितना समय दे सकते हैं। मैं अपने घर में गणपति जी हमेशा लेकर आती हूँ, और अभी तक तो इनकी कृपा से मेरे को हमेशा मौका मिला है कि मैंने इनकी 10 दिन पूरे सेवा करी है। आगे गणेश चतुर्थी आ रही है तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये मुझे सेवा का मौका कितना देना चाहेंगे, कि मेरे से 10 दिन की सेवा ही लेंगे या मेरे को कुछ कम की ही सेवा दिन की सेवा मिलेगी। तो ये सब भगवान के ऊपर होता है और अपने श्रद्धालु के ऊपर होता है, भगवान और भक्त के ऊपर होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको गणपति जी घर में स्थापित करने हैं तो वो आपको 10 दिन के लिए ही करने, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर चुकी हूँ। और गणेश चतुर्थी का महत्व बहुत बड़ा माना जाता है, आप सभी जानते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग फास्ट भी रखते हैं, व्रत भी रखते हैं। बाकी आप सभी को नॉलेज होती है कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है। मेन ये जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है इनके, और इसलिए ही ये मनाते हैं। और महाराष्ट्र की धूमधाम आप सभी को पता है, वहाँ लाल बाग के राजा को विराजमान किया जाता है बाप्पा को, और इन्हें कई सुख मतलब कई चीज़ों से बोला जाता है, कई नाम है, गजानन है। मैं इनको तो सबसे बड़ा विघ्नहर्ता मानती हूँ कि कोई भी घर में विघ्न हो, किसी बात की मुश्किल हो, तो ये सबसे पहले मेरी बात सुनते हैं और मेरा विघ्न ज़रूर दूर करते हैं। कुछ इसी वजह से ही मैंने 4
साल से शुरू किया है कि मैं अपने घर में गणेश चतुर्थी वाले दिन से गणेश जी को विराजमान करती हूँ। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझाया है कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या होता है, और इसकी कथा भी आपको पता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी, जो शिव जी ने इनका शीश काटा था, उसके बाद जो नया शीश लगा था, उसके बाद से गणेश चतुर्थी रूप में मनाया जाता है। और सारी चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट डिटेल में करके बता दी, क्योंकि मैं लंबी डिटेल अगर करूँगी तो बात वही मेरे को घूम फिर के बतानी है आप लोगों को, कि मेन जो होता है कि गणपति जो विराजमान करे जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि आप 10 दिन के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसा कि देखा होगा जो हमारे बॉलीवुड स्टार्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर या तो एक दिन के या डेढ़ दिन के या चार दिन के ढाई दिन के ऐसे 6-7 दिन के भी गणपति जी अपने घर में रखते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आप पूरी सेवा करना चाहते हैं 10 दिन तक, तो वो भी आप बड़े आराम से अपने घर में इनकी सेवा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कि सभी को ये डाउट रहता है गणपति जी को लाने में कि नहीं, इनको 10 दिन तक स्थापित करना होता है, विराजमान करवाना पड़ता है घर में, ऐसा नहीं है। मैंने आज आपका इस वीडियो के ज़रिए शायद ये थोड़ा सा जो डाउट है वो क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली है और शायद क्या पता भापा इस बार आपके घर आ जाए, तो अगर आपका मन बने तो ज़रूर इनको अपने घर में ज़रूर एक विराजमान करके देखिएगा। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप इनको विराजमान करते हैं साल में, मतलब इस साल से स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश करिएगा कि अगले साल भी लेकर आइए, नागा नहीं डालिएगा, क्योंकि मैंने भी आज तक इनकी कृपा से मैंने आज तक कभी नागा नहीं डाला है। तो अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, जैसा कि मैंने आपको बोल दिया है, और गणपति जी का आशीर्वाद लेके इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर किसी के मन में अगर ये वाला डाउट है कि गणपति जी को हम 10 दिन तक स्थापित करना होता है और उनका क्या महत्व होता है, तो इस वीडियो को अब मैं करती हूँ एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर देखकर बताना कि आपको कैसा लगा है। फिर मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बोलिए ओम गण गणपते नमः।